हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे आप अपने MI के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग का कैसे पता कर सकते हो, वह रिकॉर्ड होने के बाद कहाँ जाती हैं, कहाँ सेव होती हैं। दोस्तों, कुछ भाइयों का मेरे पास ये कमेंट आया है, वे अपने MI के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं लेकिन दोस्तों उनको ये पता नहीं लग पा रहा है वे कॉल रिकॉर्डिंग होने के बाद जाती कहाँ पर हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको यही बताएंगे आप अपने MI के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग का कैसे पता लगा सकते हो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, जो तरीका भी आपको आसान सा लगे उस तरीके को आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो कॉल रिकॉर्डिंग ढूंढने के लिए फ्रेंड्स आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर में इस तरह से। जब दोस्तों आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाता है तो यहाँ दोस्तों आपको ऊपर सेलेक्ट करना है, इस तरह से क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन की मेमोरी में जाना है। अब यहाँ दोस्तों आपको चेक करना है आपके फ़ोन मेमोरी सेलेक्ट है या आपकी SD कार्ड है। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना इंटरनल स्टोरेज को सिलेक्ट करना है। दोस्तों ये आपके फ़ोन की मेमोरी खुल चुकी है। अब यहाँ दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर ढूंढना है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सा फ़ोल्डर यहाँ ढूंढना है। दोस्तों दूसरा तरीका इससे भी ज़्यादा आसान है, पहले मैं आपको ये तरीका बताता हूँ। अब यहाँ दोस्तों आपको इस तरह से नीचे आ जाना है। अब यहाँ नीचे आ जाने के बाद आपको ये वाला फ़ोल्डर देखने को मिल जाएगा, MIUI। तो आपको ये वाला फोल्डर ढूंढना है, ध्यान से इसको देखना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये फोल्डर हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको थोड़ा जब आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर और देखने को मिल जाएगा, साउंड रिकॉर्डर। अब यहाँ पे जैसे कि दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऊपर कॉल रिकॉर्ड इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ भी देख सकते हो जितने भी हमने अपने MI के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग करी है वो सारी यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों आप कॉल रिकॉर्डिंग निकाल सकते हो। अब चलिए दोस्तों मैं आपको जो आसान तरीका है वो बताता हूँ, दूसरा वाला तरीका। तो चलिए हम यहाँ से इसको काट देते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जो इससे भी ज़्यादा आसान है। दोस्तों वीडियो को पूरे देखते रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल ही छोड़ के मत जाइएगा। अब दोस्तों आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा एप्लीकेशन होता है। आप यहाँ जैसे कि देख सकते हो रिकॉर्डर, दोस्तों ये आपके MI के मोबाइल में ज़रूर से आपको मिल जाएगा रिकॉर्डर। तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये तीन लाइनें देखने को मिल जाएगी नीचे, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप ऊपर देख सकते हो रिकॉर्डेड कॉल्स, तो इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ भी दोस्तों आप इस तरह से भी अपने मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग निकाल सकते हो, देख सकते हो आप सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ चुकी हैं। तो फ्रेंड, इन दो तरीक़ों से आप अपने मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग का पता कर सकते हो आपके मोबाइल की रिकॉर्डिंग कहाँ पर होती हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर वैसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल बटन दबा के ऑल प्रेस भी कर सकते हो।